तो अभी मैं वो देखो मम्मी उधर है और मैं बाइक स्टार्ट करूँगा और बर्नआउट करूँगा, मैं बर्नआउट लगूँगा मारने। देखना मम्मी की रिएक्शन है, क्या बोलेगी मम्मी फिर। गाड़ी देखो मम्मी के भाई, अब मैं विली मारूंगा एक मम्मी के सामने, अब देखना तुम। सो गाइस, अभी मम्मी ऊपर काम कर रहे हैं और मेरे ना इन्होंने पूरे प्लान पे पानी फेर दिया, क्योंकि अभी ये बोल रहे हैं कि मेरे से नहीं लेके जाया जाएगा पंप अकेले, पीछे मतलब बाइक के ऊपर नहीं पकड़ा जाएगा, तो तू इसको छोड़ के आ जा दूसरे खेत में। अब यार मैंने कुछ सोचा था कि मैं वो करूँगा, तो वो नहीं हो पाएगा, पर अब मैं देखना कुछ कारस्तानी करूँगा, तो तुम बने रहना, बस बने रहना वीडियो में और फिर देखना रिएक्शन। अभी मैं करूँगा क्या ना, मैं जाऊँगा बाइक पे और बाइक का टायर घुमाऊँगा जोर जोर से। लाइजे लाइजे दी पीछे को, पीछे को तू क्यों उठा ले माँ, ये थे ना कने कि पहनने पौना भी। सो गाइस, अभी मेरे को उठा के लेके जाना पड़ेगा पंप, और अब मैं गाइस देखना क्या करूँगा, मम्मी पीछे आ गई हैं और मैं जाऊँगा बाइक स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ये पंप भर के हमने चलाया हुआ है दूसरे खेत, तो और पीछे मम्मी बैठ नहीं सकती, उसको होल्ड नहीं कर सकते। तो अभी मैं वो देखो मम्मी उधर है और मैं बाइक स्टार्ट करूँगा और बर्नआउट करूँगा, मैं बर्नआउट लगूँगा मारने। देखना मम्मी की रिएक्शन है, क्या बोलेगी मम्मी फिर। देखते हैं एक बार क्या होता है, तो वो चेक करो तुम वहाँ पे खड़े हुए हैं, और मैं करूँगा अब बर्नआउट मारूँगा अब यहाँ पे। अब देखना भाई, वो देखो गाइस वहाँ पे हालत देखो तुम, और देखो भाई अब देखना, अब मैं जाऊँगा ना आगे तो मम्मी की रिएक्शन देखना मम्मी क्या करेगी। अब देखना भाई क्या तीन दफा आया था, तभी चखे कराए पंप कर सकते, दबे करा इतना तो पानी निकल रहा, चल चल जा ये टायर कहाँ लगा दसना नहीं आई, चल राम राम जी राम राम। और नहीं ज़्यादा दिन अख मानता। ओ गाइस, अभी तो ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं आया, बस इतना ही बोला मम्मी ने कि क्यों घुमा रहा था टायर। अब मैं करूँगा क्या, क्योंकि दूसरे खेत में डालनी है हमने दवाई लगानी है दूसरे खेत में, तो मैं पंप लेके जा रहा हूँ, क्योंकि पीछे जगह नहीं है बाइक के ऊपर और मम्मी होल्ड नहीं कर पाते, इसको पकड़ नहीं पाते ढंग से, तो अभी मैं जल्दी जल्दी इसको रख के आऊँगा वहाँ खेत पे, और फिर मैं वापस मम्मी को लेने के लिए आ जाऊँगा, तो तब देखते हैं फिर उनके रिएक्शन, और मैं आऊँगा फिर फुल पावर में, तो देखना फिर इनके रिएक्शन। तो यार एक तो ये पंप है ना, तो मैं जल्दी जल्दी पहुँच जाता यहाँ पे, अब इसको आराम आराम से लेके जाना पड़ रहा है मेरे को, बस पहुँच तो गया मैं, बस यहाँ पे रखना है इसको,
और फिर मम्मी को लेने के लिए चला जाऊंगा मैं ना जल्दी जल्दी, फिर जाऊंगा मैं स्पीड पे, तो फिर उनके रिएक्शन देखेंगे कि क्या बोलेंगे वो, क्या देखते हैं। फिर पंप रख दिया है मैंने यहाँ पे और अभी मम्मी आ रहे हैं पीछे, तो चलो चलते हैं निकलते हैं यहाँ से जल्दी जल्दी और देखते हैं। फिर अभी जाऊँगा मैं फुल पावर में और उनको उनकी रिएक्शन देखते हैं फिर क्या बोलते हैं वो। भाई अब मैं व्हीली मारूंगा एक मम्मी के सामने, अब देखना तुम। मम्मी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चलो मैं तू आपको लेने के लिए आया। उठाने भी पौना, चकाने भी पौना ना से वो भाई साहब। गाइस हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। तो अब यहाँ पे लगाएंगे अब दवाई हम, फिर उसके बाद निकलेंगे हम सीधा घर को, है ना? ठीक नहीं है ये, क्या लेके आया आप? और देखो ये क्या लेके आए, ये क्या है? कैसी दवाई है ये बता दो, हमारे फ्रेंड्स को भी बता दो क्या। अच्छा तो गाइस भैंस का पेट ख़राब हो गया है, उसके लिए है ये दवाई। क्या बोलते बोलते क्या है इसको? पटिंडू, तो इसका नाम पटिंडू है गाइस। यहाँ से रास्ता बंद है यार और हमें जाना भी उस साइड है, आगे की साइड, तो बाइक को मैं आगे लगाऊंगा नीचे और नीचे से आऊंगा ऊपर की तरफ, फिर उस तरफ से निकल जाएंगे हम, यहाँ को नहीं आएंगे। और यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो मैंने स्पीड के ऊपर अपना पूरा नाम लिखा हुआ था भाई, ये देख लो तुम, AMITTHAKUR अमित ठाकुर पूरा लिखा हुआ था। अब ये दिखाई नहीं देता इतना, पर थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, ये देख लो अभी भी है हल्का हल्का। तो ऐसे उल्टे काम करता रहता है तुम्हारा भाई। और यहाँ पे देख लो तुम काफ़ी सारे आम के पेड़ हैं, ये देख लो पूरे आम के पेड़ हैं भाई। ये है अपना खेत, देख लो यहाँ से लेके उधर तक पूरा, नीचे वाला भी है, ये भी है, ये भी हमारा खेत है यहाँ से लेके वो आगे तक है वो पूरा वो देख लो उधर। तो अभी यहाँ पे लगाएंगे हम दवाई। सो गाइस कर लेता हूँ मैं इसको भी कंप्लीट और फिर मिलते हैं आप सभी से आगे, चलो। सो गाइस कंप्लीट हो गया हमारा ये खेत भी, दोनों खेत कंप्लीट कर दिए हमने, यहाँ पे भी दवाई लगा दी। खेत में तो नहीं लगाई पूरे, मतलब जो ये देख रहे हो आप वो बीड वगैरह दैड बीड, तो इस साइड लगाई हमने। और अभी थोड़ा खरपतवार निकाल रहे हैं मम्मी जी, पर उखाड़ रहे हैं इसको, तो चलो चलते हैं अब निकलते हैं घर। नहीं रहने दो अब भी, छेती छेती फास्ट हम फास्ट। सो रोड साइड पहुंच गए हैं गाइस अब हम, और करते हैं अब अपनी धनों को स्टार्ट और निकलते हैं घर। चलो तो आ जाओ अब देख लो अब ये क्या कर रहे हैं अब, बांस की बिनाली, क्योंकि बैल आ रहा है वो घुस रहा है अंदर खेत में चला जा रहा है वो। और वो देखो गाइस वहाँ से ना हमारा खेत
कि मिट्टी जो है वहाँ से देखो कितनी सारी आ गई है नीचे, तो वहाँ पे रास्ता भी नहीं रहा है। वहाँ से बड़े मुश्किल से आया भी हम, तो अब चलो पंप आपने पकड़ना तो पीछे, मैं तो फिर बाइक चलाऊंगा ना। क्या हुआ लगा दी? ये गुलदस्ता, इस गुलदस्ते को हम यहाँ पे लगाएंगे आगे, और गुलदस्ते यहाँ पे लग जा तू। तो ये है गाइस पटिंडू, इसको पटिंडू बोलते हैं, बताया मैंने आपको पहले भी वीडियो में, भाई मजाक में मत लेना इस चीज़ को, काफ़ी बढ़िया दवाई होती है ये, अगर पशु वगैरह बीमार हो जाए तो उनको खिलाना चाहिए ये। बीमार होने का मतलब कि जब उनका पेट वगैरह ख़राब हो जाता है तो तब बहुत यूज़ में आती है ये दवाई। अपनी साइड में हिमाचल में हमेशा इसको पटिंडू बोलते हैं। मच्छर है? किसो किसो थले फुट बेरा जो लगाई दंगा बांका में थर पैर रखे बांका ही ना, ये बड़ बहुत ऊंचा चली। हां ते बड़ा की बैठना बैठा देख कितना घास हो जा बैठी ये चल। ये देखा देखो देखो राइट लेफ्ट साइड देखा चल चल चल। सो चलो गाइस निकलते हैं यहाँ से अब घर की तरफ। सुनते हैं सो होप करते हैं गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, तो यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं फिर और किसी अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। टिल एंड टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। ओ माय गॉड, भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, तो हम गाइस अपने घर के पास पहुंच गए हैं अब, और बारिश हो रही है, बरसात का मौसम है, तो देख लो यहाँ पे पानी आ चुका है रोड पे। अब ये स्लिपरी हो जाएगा थोड़े दिनों में, फिर थोड़ा हमें आराम आराम से चलना पड़ता है इधर। तो घर के पास पहुंच गए हैं गाइस, तो ठीक है मिलते हैं फिर आपको किसी और बड़ी ऐसी वीडियो में। तब तक बाय, आराम से जाग रही है निगाह से।